सब्सक्राइब करें श्री बुटीक को और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। नमस्कार दोस्तों, श्री बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको एक फ्रंट का डिजाइन बताऊंगा, जैकेट स्टाइल वाला। ये फ्रंट हम जैकेट स्टाइल में तैयार करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिजाइनिंग थोड़ी सी बताऊंगा और कपड़े के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे हमने ये प्लाजो वाला कपड़ा लिया हुआ है। प्लाजो का कपड़ा बच जाता है, हमेशा ही बचता है, प्लाजो में ज्यादा कपड़ा नहीं लगता। तो इस कपड़े को हम ऊपर की साइड जैकेट स्टाइल में कम्प्लीट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बोट नेक कटिंग करना है क्योंकि हमें यहाँ बोट नेक तैयार करना है। तो ये मैंने बुकरम ली हुई है, इसमें से हम बोट नेक की सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। जैसे हमें 9 इंच ब्रॉड रखना है तो 4.5 पे निशान लगाएंगे और डीप रखना है 4 इंच, तो यहाँ पे इस प्रकार से 4 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे बोट नेक का निशान कंप्लीट करेंगे और इसी निशान के ऊपर कटिंग करेंगे। बार की साइड 1/2 से 1.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए फिर से कटिंग करेंगे। इस प्रकार हमारा यहाँ पे बोट नेक कटिंग हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कपड़ा लेना है जिससे हमने जैकेट स्टाइल देना है, जिसको इस कपड़े को हम यहाँ पे इस प्रकार से बिछाएंगे डबल, ऐसे मैंने डबल बिछाया है, और यहाँ पे ऊपर की साइड फ्रंट रखेंगे। फ्रंट हम यहाँ तक इस प्रकार से रखते हैं और जैकेट हम यहाँ पे इतनी लंबाई की होनी चाहिए हमारी जहां तक हमने हमारी कमर होती है। तो सबसे पहले हम इसको सेम तरीके से कट कर लेते हैं यहाँ पे। इस प्रकार हमने यहाँ पे ये कटिंग अपनी कर ली है। अब हम इस पीस को ऊपर की साइड रख लेते हैं, यहाँ पे इस पीस को रख लेंगे ऊपर की साइड इस तरीके से। अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे बोट नेक का इस प्रकार से, ये हमारा बोट नेक वाला निशान लग गया है। अब हमने यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच का गैप रखना है इस प्रकार से, एक निशान और लगा लेना है इस प्रकार, और इस पॉइंट से हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। इस पॉइंट से हम यहाँ पे इस प्रकार का निशान लगाएंगे। इस तरीके का, और यहाँ पे हम इसी निशान के ऊपर कटिंग करते हैं। अब हमने यहाँ पे इस निशान पे कटिंग करनी है। अब मैं आपको इसको ओपन करके रख के दिखाऊंगा। यहाँ पे जैसे हमारा ये फ्रंट हो जाता है, इसके ऊपर ओपन कर लिया है हमने यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ये दोनों पीस रख के दिखाता हूं। नीचे के पीस में हमारा यहाँ पे गला तैयार आएगा जो बुकरम वाला बनाएंगे, और ऊपर की साइड हमारे पैच आएंगे जैकेट स्टाइल में। स्टाइल बहुत ही सुंदर होगा। और यहाँ पे इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये 5 बटन लगाने हैं हल्का हल्का गैप रखते हुए। इस तरीके से हम यहाँ पे ये 5 बटन कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों कटिंग हमारी जैसे कंप्लीट हो जाती है, अब स्टिचिंग में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले गला तैयार करते हैं जो हमने बुकरम का कटिंग किया है। अब हम बार का कपड़ा फोल्ड करेंगे। यहां पे इस प्रकार से हमने गला तैयार किया है। अब हम इसको
यहाँ पे सेंटर मिलाते हुए कमीज के फ्रंट में बना लेते हैं। एक पैर का मार्जिन छोड़ेंगे और कटिंग करेंगे। और यहाँ पे हल्के हल्के इस प्रकार से कट लगाएंगे और इस गले को अंदर की साइड इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। गला तैयार करने के बाद हम इस प्रकार से एक साइड का पीस रखेंगे जो जैकेट स्टाइल का हमने कटिंग किया है और इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। एक साइड में हमने इस प्रकार से पीस अटैच कर लिया है। सेम तरीके से दूसरी साइड में भी अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड के ये पीस अपने अटैच कर दिए हैं जैकेट स्टाइल वाले। अब हम यहाँ पे जहां जहां हमने सिलाई लगाई है वहां पे हम यहाँ पे इस तरीके से लेस लगाएंगे। ये हमने लेस ली हुई है, लेस आप कोई भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। और यहाँ पे इस तरीके से रखना है और ये लेस हम इस प्रकार लगाते हैं ताकि हमारी यहाँ पे जो ये कच्ची लब होती है ये अच्छे से दब जाए। पहले लेस की एक साइड सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे नोक बनाएंगे। एक साइड हमने यहाँ पे सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब दूसरी साइड भी सिलाई कंप्लीट करेंगे।
इस प्रकार दोस्तों हमने एक साइड का ये पैच जो है जैकेट स्टाइल का कंप्लीट किया है। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी लेस लगाते हैं, कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने दोनों साइड के जैकेट स्टाइल के पैच कंप्लीट कर लिए हैं और ऊपर की साइड यहाँ पे लेस कंप्लीट की है। सेंटर में हमने यहाँ पे 5 बटन लगाए हैं जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये डिजाइन कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बारीकी से दिखाना चाहूंगा, इस तरीके का हमारा ये डिजाइन होगा और बहुत ही आसान सा और स्टाइल इसमें हमने ये तैयार किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।